हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो ये है अपना पहला वीडियो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके शानदार एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखो हम इसमें एक बढ़िया शानदार नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं और ये नोट्स आपको क्या करेगा, जब भी आपको एग्जाम में जाना होगा उसमें क्विक रिविजन में आपकी ये बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, देखो ये अपना पहला वीडियो है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखो जो भी कैंडिडेट, जो भी मेरे दोस्त यार किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, इवन अगर वो पीसीएस की भी तैयारी कर रहा है, तब भी वहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन चीज़ों से जवाब दे सकता है, यानी आंसर वहाँ रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, और देखो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी जैसे जैसे आप इसका वीडियो देखेंगे और जो भी इसमें एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, जो भी थोड़े बहुत नोट्स प्रोवाइड आपको कराए जा रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए कौन कौन से एग्जाम में हेल्पफुल होगा, कौन कौन से नहीं होगा। ठीक है, चलो वैसे मैं थोड़ा सा एक कुछ एग्जाम्स के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें देखो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, यानी इन सभी एग्जाम्स में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम अभी होने वाला है, इसमें भी आपको हेल्प करेगा। यूपी ट्रिपलसी का एग्जाम, यूपी ट्रिपलसी कंडक्ट कराती है, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, मेनली इस वीडियो को फोकस किया गया है किस चीज को लेकर, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे को लेकर। तो हम रेलवे को फोकस लेकर चल रहे हैं और देखो क्योंकि भाई देखो रेलवे में थोड़ा साइंस का जो सेक्शन होता है वो ज्यादा होता है। साइंस मतलब साइंस में हम जनरल साइंस की बात करेंगे। जनरल साइंस में कौन कौन से आते हैं, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सेक्शन आते हैं और तीनों सेक्शन को लेकर हम चलने वाले हैं। बढ़िया शानदार आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी और आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से, यानी क्या क्या चीज़ हम इसमें बात करने वाले हैं। जैसे देखिए इस तरीके से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, टू द पॉइंट्स हैं और कोई ज़रूरी नहीं मैं सारी चीज़ को इसमें डिस्कस ही करूँ। आप इसमें कुछ चीज़ क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं और जैसा आपका कमेंट रहेगा, जिस हिसाब से आपकी चीज़ें आएंगी, रिप्लाई आएंगी, उस हिसाब से आपको क्या कर दी जाएगी, पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, पीडीएफ के लिए जितना ज़्यादा मैं देखो क्या है कि वीडियो में कमेंट वगैरह लाइक ये सब चीज़ से वीडियो की वैल्यू बढ़ती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अब स्टार्ट कर देते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने दे दिया। अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पहला क्वेश्चन है कि पादप और जंतु में मुख्य अंतर है और चार ऑप्शंस है, जीव द्रव्य में, पोषण में, जैविक क्रियाएं में या प्रजनन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पोषण। पोषण मतलब न्यूट्रिशन, पौधे और जंतु में किस चीज का मेनली किस चीज का डिफरेंस होता है, मुख्य अंतर जो होता है वो किसका होता है, पोषण का होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन। अच्छा ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेता हूँ। पौधे जो होता है ना वो अपना भोजन यानी अपना खाना कहते हैं, वो खुद ही बना लेते हैं कि जिस प्रक्रिया जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। ये सभी चीजें प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं, तो प्लांट क्या करता है, रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करके और भेज देता है, किसके पास भेज देता है, लीव यानी पत्तियों के पास भेज देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको पत्तियों में स्टोमेटा के द्वारा एनवायरमेंट से मिल जाती है। और क्लोरोफिल जो होती है ये कहाँ अवेलेबल होता है, तो पत्तियों में, एक देखो प्लांट के सेल में क्लोरोप्लास्ट नामक एक सेल ऑर्गेनली होता है। इस सेल ऑर्गेनली में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, और इस तरीके से सारी चीजें उसको मिल गई और ये अपना खाना बनाकर तैयार कर लेता है। और इस पर क्या होते हैं, इसी खाने पर एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं। देखो कुछ एनिमल क्या होते हैं, प्लांट को खाते हैं। ठीक है, तो वो प्लांट पर डिपेंड हो गए, कुछ एनिमल अनदर एनिमल को खाते हैं, तो वो किस पर डिपेंड हो गए, एनिमल पर डिपेंड हो गए। ठीक है, इस तरह के देखो अगर देखा जाए ना तो जितने भी एनिमल हैं सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको हम
नेक्स्ट, अब जंतु के बारे में है तो जंतु के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो